एहसास वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन मेहराजुद्दीन साहब, ये हमें इस कैंप के बारे में कुछ बताया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी, बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, एहसान है कि अल्लाह ने हमको ये कैंप करने की तौफीक अता फरमाई। असल में ये कैंप में आज 100 घर है जो मुस्ताहिक और विडोज़ हैं, उनके लिए हमने कुछ यहाँ पर प्रोवाइड आइटम रखे थे, जिसमें कांगड़िया है, कमले है और कोयला है। ये कैंप हमने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो गुर्बत है, गरीब लोग हैं, उनके लिए, क्योंकि उनका कोई सहारा नहीं होता है, यहाँ पर काम काज भी कुछ भी नहीं है। हालात की वजह से यहाँ पर बहुत जो काम है इस वक्त कम हो रहा है, उसी को देख के हमने ये कैंप लगाया। आइंदा जितने भी हम यहाँ पर कैंप लगाएंगे, इंशाल्लाह वो सिर्फ गरीब लोगों के लिए होंगे। चौधरी साहब, जो हमें इस कैंप के बारे में कुछ बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एहसास वेलफेयर ट्रस्ट है, ये काफ़ी सालों से यहाँ पर श्रीनगर में, बिलखसूस बेमिना में रवा दवा है अवामी खदमात को लेके, और ये किसी एनजीओ या किसी और सियासी पार्टी से कोई वाबस्तगी नहीं है। इनके हमारे जितने भी रिसोर्स हैं लेवल पे कंट्रीब्यूट करके, और उन बावसूख जराइयों से जो साहिब सरबत हमारे रहते हैं, उनकी खिदमत से गरीबों में अपनी कोशिश खिदमत को बरकरार ला के उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। अभी आपने इस जो में हमने यहाँ पे एक टेंट इसका आगाज़ किया है, हमने जो आज का ये प्रोग्राम था, आपने देखा यहाँ पर किस तरह कितने मुस्तकीन को हमारे जो स्विच्स हैं, हमारे जो ट्रस्ट से वाबस्ता अराकीन हैं, जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे राय साहब हैं, हमारे दूसरे जो इससे रिलेटेड हैं, कितनी मेहनत करके, कितनी जानपहचानी से उन्होंने एक एक करके जो बिमना से वाबस्ता जो रिलेटेड मास्क से मैनेजमेंट कमेटियाँ हैं हमारी, तो